लोग बोलते हैं ना हम राम कृष्ण क्यों भजन करेंगे हम शिव को भजन करेंगे अरे शिव किसको भजन कर रहे हैं पूछो शिव को शिव माला वो राम नाम करते हैं संकर्षण का उपासना करते बलराम उनका इष्ट देव है कृष्ण के जो विस्तार है ना उनका इष्ट देव है बलराम उनका उपासना शिव जी बहुत करते संकर्षण शिव पूजे नारी गण कैलाश में शिव जी का दो ड्यूटी है सिर्फ शंकरषण को पूजा करना है और भागवत प्रवचन देना है <laughs> भागवत और उन वो सभा में कौन बढ़ते हैं शिवजी की सभा में शिवजी है तो तो गृहस्थ आश्रम में नहीं हम हमारा जैसे स्थिति में हम बोलेंगे गृहस्थ आश्रम में है कभी महाजन महाजन जो लोग है ना जो शुद्ध भक्त है उसी का वर्णाश्रम धर्म नहीं लागू होते हैं ये गृहस्थ है ब्रह्मचारी है बानप्रस्थ है सन्या ये हम लोग के लिए लेकिन शिवजी जब प्रवचन देते हैं ना सब ब्रह्मचारी बैठते हैं चतुर्सनक नारद इतना उच्च स्तर के प्रवचन कोई गृहस्थ लोग आलाव नहीं है उधर <laughs> एक ही माता जी बैठते हैं और गोद में कौन है सती और शिवजी भागवत बोलते बोलते रोते हैं इतना बताइए जिसका पत्नी गोद में है लेकिन वो भागवत प्रवचन दे रहे हैं इसीलिए श्रेष्ठ वैष्णव है नारी का रूप को दर्शन करने से छोड़ दीजिए रूप दर्शन करने से मन में क्या विकार आता है उसका बात छोड़ दीजिए भागवत ये बोलता है ना पदापीति युबत, भिक्षु पाद में भी जो सन्यासी लोग हैं, पांव में भी कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए किसी को नारी को नहीं नारी का जो मूर्ति है नारी का को पांव में देखा है ना आपने साड़ी वगैरह जो बेचते हैं ना नारी का मूर्ति उनको भी दर्शन नहीं करना चाहिए क्लथ स्टोर में भागवत यह भी मना करता है नहीं मत करो बलवान इंद्रगाम मतरा नारी का पास में ब... नारी का पास में बैठने को भागवत क्या बोल रहे सुनिए मात्रा मां का खुद का जो माँ है ना उसका पास मत बैठिए संकीर्ण आसनम विभिन्ता आसनम सिरदमी एक आसन में नहीं बैठना चाहिए इतना स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे भागवत धर्म में मात्रा मां का कन्या खुद कन्या का पास भी नहीं बैठना चाहिए अरे भगनी का पास तब स्त्री का पास बैठना चाहिए जब भागवत यह मना करता है कि तुम मां का पास मत बैठो तो इसका मतलब कितना सावधानी से भोजन करना चाहिए आप सोच लीजिए कौन बोल रहे हैं और पास में एक आसन में नहीं है उनको यही बोल रहा है मैं तुम्हारे पास बैठा हूं लेकिन तुम सुनो मत्रा सुरसा दुहित्रावा ना, आसन बस बलवान इंद्र ग्रामम विद्वांस भी कर सती बहुत बलवान इंद्र बहुत बलवान होता है विद्वांस भी कर सती बड़ा बड़ा विद्वान यहां लिखा है विद्वांग जिन लोग का ज्ञान है उनका मन को आकर्षण कर लेता इंद्रिया लेकिन शिवजी इतना उन्नत स्थिति में है ना गोद में बैठा कर सत्य को प्रवचन दे और रोते थे रोते थे प्रेम से दधी प्रभुपाद ने पढ़ी कितना बार ब्रह्म संगीता को पर प्रवचन प्रभुपाद ने दिए दधी जथा जथा दधि विकार विशेष योगा प्रुपत ने बार बार ही कह रहे थे कृष्ण शिवजी इज डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा अभियर्ण है लेकिन शिवजी ने माया को अंगीकार किए पद ने यही प्रवचन में लिखे हैं शिव इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण बट इट इज एडेड द मेटेरियल इनर्जी देरपुर शिव सीब, हेज टर्न टू योग शिव हो गए कृष्ण इसलिए भागवत में वैष्णवान यथाशंभ ये बोल रहे हैं और भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी क्या बोल रहे हैं शुद्धभक्ता एक श्री गुरु श्रीवश भगवता सह अभी दृष्टि तत्पियो में शुद्ध भक्त का जैसा स्थिति है ना शिव जी का ऐसा स्थिति है जो शुद्ध भक्त है कौन सा जीव तत्व है गुरु जी कौन सा तत्व है गुरु तत्व कौन सा तत्व है पता नहीं भक्त जीव तत्व नहीं है और इस तत्व है भगवत तत्व है क्या नहीं पद ने शिव जी का ऊपर यही स्टेटमेंट अचिंत भेदावेद तत्व भक्त शुद्ध भक्त का स्थिति ये दूसरा स्थिति है ना तो जीव है ना तो ईश्वर है इसलिए भक्त विश्वनाथ चौक ने लिखा है साक्षात हरित्व ना तो हरि ही साक्षात हरि हरि से भिन्न नहीं है लेकिन हरि नहीं है जैसे सूर्य किरण सूर्य नहीं है लेकिन सूर्य से भिन्न नहीं है यह अचिंत भेदावेद तत्व है गुरुजी का स्थिति ऐसा है शुद्ध भक्तस तो एक श्री गुरु श्री शिवस्य च भगवतः सह अभेद दृष्टिं भक्ति संदर्भ संदर्भ मतलब होता है जैसे हम पीएचडी करते हैं ना उस संदर्भ भागवत संदर्भ कृष्ण संदर्भ भक्ति संदर्भ जहां-जहां मीमांसा नहीं है जैसे असीधर स्वामी सबसे बड़ा पहला आचार्य है लेकिन असीधर स्वामी जब मौन रहते हैं कभी-कभी तब जीव गोस्वामी ने समाधान दिया है भागवत पर क्योंकि भागवत को लेकर हम चल रहे हैं ना हमारा भागवत सिद्धांत है महाप्रभु ने ये बताया कि उसको रचना करना चाहिए डाउट आता है ना भक्त लोग कहाँ कभी कभी भक्त लोग तो हमार तो शिव जी इतना बड़ा भक्त है हम शिवजी को क्यों नहीं पूजा करेंगे शिव जी क्यों नहीं पूजा करेंगे ये प्रश्न उठाएंगे भक्त लोग तो भागवत में शिव जी का महिमा है ना जीव गोस्वामी ने क्रम संदर्भ में इसका समाधान दिए हैं देखिए भक्त सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद जी भी जी का मंदिर स्थापन किए गोड़ी मठ में लेकिन प्रभुपा जी ने नहीं किया हमारा भक्त लोग का ये आदत हो गया है प्रभुपाद क्यों नहीं किए नहीं आचार्य क्यों नहीं किए आचार्य लोग ने क्यों ये पंथा जो पंथा दिया ये सत्य इसमें आड़ कोई नहीं करना चाहिए सबस्ट्रक्ट कोई नहीं करना चाहिए यह हमारा अधिकार नहीं है प्रभुपाद क्यों नहीं किए हैं ये बहुत प्रश्न आता है गौड़िया लोग जो भक्त है ना वो भी पूछते हैं तुम्हारा प्रभुपत ने ऐसा नहीं किया ऐसा नहीं 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 को पता है आचार्य कल हम सुन रहे थे ना आचार्य लोग प्र, तदात्मा तदात्मा प्राप्त है भक्ति तदात्मा प्राप्त है भगवान की कृपाएं सनय हुए उनका इंद्र है जो करते हैं वो सत्य है हम लोग जब रास बिहारी को मांगते हैं धन तो शिव जी की पूजा करेंगे से क्या मांगे मांगेंगे हम आम कामी लोग हैं सकते हैं भगवान को सिर्फ शुद्ध भक्ति मांगना चाहिए जब चैतन्य महाप्रभु ने हमको ये सिखा रहे हैं कि ना धनम ना नम ना सुंदरी कविता जगदीश काम है लेकिन फिर हम ठाकुर जी को मांगते हैं कि मुझे पैसा दीजिए मुझे पत्नी दीजिए मांगते हैं तो शिव जी को अगर जी स्थापन कर देंगे इस कर्म हम लोग क्या हरे कृष्ण करेंगे या शिव जी भी करेंगे हम लोग का इतना कमजोरी आदमी है ना पता है आचार्य लोग को जीव गोस्वामी ने यही सिद्धांत दिया है सुंदर बहुत सुंदर सिद्धांत स्वतंत्र उपासनामयम दोषम स्वतंत्र उपासना नहीं करना चाहिए जी आए हैं शुद्ध भक्ति देने के लिए आचार्य लोग क्या दृष्टि भिन्न भिन्न होते हैं स्वतंत्र उपासना शास्त्र में निषिद्ध है कहां निषिद्ध है गीता में जीव स्वयं रचना करने जतश्य जनार्दनशेद मूलत्वा वेद का मूल है जनार्दन जो मूल निशे चंप् भुजोपाखा यही सिद्धांत परम टिक रहे अगर जड़ में पानी हो गया तो वृक्ष का पत्ता है फूल है सब पानी ठाकुर जी का पूजा हो जाने सबका पूजा हो जाता है यही सिद्धांत परम ठाकुर जी का आराधना करते हैं अगर कोई प्रश्न करेगा दूसरा गोपीलोक ने भी आराधना की है कि नहीं जय जया गोपी स्वर बृंदावन जया जय गोपी स्वर बृंदावन ज जाया जाया कृष्ण सखा बटु दी जारा जाया जाया, जाया कृष्ण सखा बटु दि जारा गोपी लोग गोपीश्वर आराधना किए हैं शिवजी का अभिन्न दृष्टि से उपासना कर रहे थे उनका लक्ष्य थे कृष्ण जैसे काताइन पूजा कर रहे थे ना काइन कौन है वैष्णव है ना काली महाकाली अभी वृंदावन में है ना हम हाँ, जो काली पूजा हम कर रहे हैं दुर्गा पूजा हम कर रहे हैं शिव पूजा ये स्वतंत्र उपासना स्वतंत्र दृष्टि से हम पूजा कर रहे हैं अरे मांग रहे हैं कुछ ये दीजिए शिव मंदिर में काल कितना बाहर लोग देखा है ना कितना भीड़ है अगर एक पोस्टर लगा दीजिए आज शिव जी को कुछ मांगना नहीं है कोई नहीं आएंगे मंदिर में इतना भीड़ है ना मंदिर में आप लगा दीजिए आज जो कुछ करना है सब कुछ ठाकुर को दीजिए लेकिन शिव जी को कुछ मत मांगिए कोई आएगा मंदिर वो आते हैं शिवजी कुछ मांगने के लिए भीख मंगा है लेकिन हमारा भक्ति में पहले इसको क्या करना है जब ठाकुर जी को मांगना नहीं है शिव जी को क्या मांगना है नंदनम नंजनम नंद सुंदरी कवितांग जगदीश काम है जगद्दीश हम धन काम है ये अनोखिये और हर जगह में ना ना है महाप्रभु को पता है एक ना छोड़ दूंगा ना ये यश लगा देंगे कल जुग येस लगा देंगे जब हम भजन करने वाले का पैसा का ऊपर इतना आदर होता है तो कर्मी लोग को क्या बोलेंगे हम इसीलिए महाप्रभु ने ना ना आड़ गया है ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम ना कविताम जगदीश काम है ना 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 लगाया है और कर्मकांड में हा 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 हाँ, यस 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 कर्मकांड में यज्ञ पूर्ण होता है तब तो क्या बोलते हैं धनम देही जन्म देही ये मिलना चाहिए मिलना चाहिए ठाकुर जी को यही प्रार्थना करते हैं कर्मकांड का जो सबसे ऊंचा क्या प्रार्थना है हमारा पहले उसी को पांव में निकाल देते हैं चलो हमको धन नहीं चाहिए लेकिन प्रभु जी को पता है हम हम लोग का स्टैंडर्ड क्या है आप स्वतंत्र दृष्टि से उपासना करेंगे शिव जी को प्रार्थना करेंगे और भक्त में विरोध है क्यों

कभी शिव जी का किसका निंदा निंदा नहीं करते हूं शुद्ध भक्त का निंदा का भाव नहीं है वो निंदा नहीं है ठाकुर जी को बड़ाई करने के लिए कभी कभी शिव जी, शिव जी का ऊपर दूसरा को मायावादी लोग को क्रिटिसाइज प्रभु उनका मनोभाव ही है मेरा प्रभु जी का बड़ाई के लिए हम लोग जो फाइटिंग करते हैं ना प्रपंच को लेकर हमारा बड़ाई के लिए मैं जो बोल रहा हूं यही सत्य है यही अंतर है हम खुद हम आपस में जो प्रभुपाद को लेकर झगड़ा करते हैं ना खुद का अहंकार के लिए और प्रभुपाद जी ठाकुर जी के लिए क्ये? इतना यंत्र स्वतंत्र उपासना निषिद्ध है गीतोपनिषेद गीता में निषेध जहा कहाँ प्रमाण जेप्य अन्य देवता भक्ता यंते श्रद्धया नित्वाम कु जजंती अभिधी पूर्वकम जीव गोस्वामी रचना कर रहे हैं तो प्रमाण हो गया स्वतंत्र उपासना नहीं करना चाहिए कृष्ण को पूजा करना चाहिए तो भक्त लोग प्रश्न उठाएंगे तो अगर शिव जी का निंदा होता शिवजी तो भगवान नहीं है तो शिवजी की निंदा करने से क्या होता है नहीं अन्य देवता अवज्ञानी निषेधम दम दस अपराध है ना दस अपराध में एक अपराध है ना क्या अपराध है शिवजी और ब्रह्मा जी जैसे देवता लोग को स्वतंत्र नहीं ज्ञान करना चाहिए और सामान्य ज्ञान नहीं करना चाहिए स्वतंत्र नहीं है स्वतंत्र ईश्वर नहीं है और भगवान का सत समान भी नहीं है, इसका मतलब है भगवान के भक्त है अगर भक्त को निंदा करेंगे तो अपराध लगा वैष्णव अपराध लगा और जीव गोस्वामी ने लाए हैं देखिए किसे लाए इधर गीता से लाए कि स्वतंत्र उपासना निषेध है और गौथी तंत्र से लाए हैं गोपाल पूजय तेजु निंदय अन्य देवता अस्तुतावत परो धर्मम पूर्वधर्म बिना ही वो क्रम संदर्भ से लाकर जो गोपाल को आराधना करता है कृष्ण को पूजा करता है लेकिन अन्य देवता को निंदा करता है गोपाल पूजयत जस्तु निंदयत अन्य देवता दूसरा देवता को निंदा करता है अस्तुतावत परो धर्म उस गोपाल को पूजा जो करता है ना कृष्ण को जो रास बिहारी को पूजा सेवा करता है उसका फल तो छोड़ दीजिए विनश्यति पिछला जो पूर्व धर्म है ना पुण्य है वो भी चला जाएगा देवता को निंदा करने से क्योंकि भक्त है ना और भक्ति ठाकुर इसका समाधान है तब देवता को दर्शन करने से हमको क्या करना होगा चलिए हरिनाम चिंतामणि पर हरिनाम चिंतामणि में यही जन्या देव इदर्शन यथा यथान्य देव करी दर्शन कृष्ण दास बलितारे करीवन्दन कृष्ण दास बली तारे कराई बंदान जैसे हमें पुजारी भगवान को पूछिए है ना पुजारी लोग ठाकुर जी रास बिहारी की पूजा करते हैं ना पहले क्या करते हैं गुरु जी का पूजा उसका बाद बिहारी का पूजा पहले गुरु पूजा है इसीलिए क्षेत्र जहाँ है ना जैसा ये बिहारी का क्षेत्र में क्षेत्रपाल है ना मैं सुन रहा था वक शिव जी पहले शिव जी शिव पूरी में देखिए ना कितना क्षेत्रपाल है वृंदावन में गोपेश्वर महादेव और मथुरा में क्षेत्रपाल है हर जगह में नवदीप में है शिव रहते भक्त शुद्ध भक्त नट सेवा करने के लिए और भक्त सिद्धांत ठाकुर पर जी का महाराज जीवन में यही मैं पढ़ा हूं जब भक्ति सिद्धांत सिद्धांश्वर ठाकुर वृंदावन जाते थे पहले मथुरा में ट्रेन में उतरते थे, थे और पहले दंड प्रणाम करते थे और पहले गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करते थे आप कृपा कीजिए मैं आपकी क्षेत्र में आप तो क्षेत्र रख क्षेत्रपाल है ना आप कृपा कीजिए मैं प्रभु जी का धाम में प्रवेश कर रहा इतना शुद्ध भक्त दृष्टि देखिए निंदा कभी नहीं करना चाहिए भक्तिवरण ठाकुर यही बोल रहे हैं जथा जथा अन्य देव करई दर्शन कृष्ण दास बोली तारे कराई बंदन। जब देखते हैं ना दुर्गा है काली है शिव जी है कृष्ण का भक्त उनको वंछा का करना चाहिए बहुत खुश हूं गुरु भाई हो गया ना हम और गुरु भाई के साथ हम विरोध करते हैं तो वैष्णव अपराध लगा पता नहीं चलता हम लोग को अपराध हो जाता है ना दूसरा देवता को निंदा नहीं करना चाहिए वो ठाकुर जी का भक्त है जी भगवान का बहुत बड़ा इसीलिए भागवत में ये बोला है तो मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूं आज तक भी ये सिद्धांत है अभी मैं वृंदावन मुंबई आने, आने से पहले शायद दो भागवत कथा के पीछे इसका मतलब एक महीने के पीछे मैं बालेश्वर में था बालेश्वर में एक स्थान है बलियापाल मैं गया था उधर बहुत लोग आते हैं लगभग दो हजार लोग भागवत कथा में आते हैं उसमें एक लोग आए सात दिन जब समाप्त तो हुआ सात दिन से समाप्त तो होने का उस दिन आए सातवां दिन वो आए सुबह सुबह आए उसका लड़का को लेकर आए उनका घर में देवी है तो देवी पूजा कर वो प्रवचन में नहीं आए <laughs> गांव में लोग आते थे वो सुन रहा था कि भागवत प्रवचन हो रहे हैं देवी पूजा कर रहे थे देवी ने उनको स्वप्न में बोला अगर तुम्हारा तुम भलाई चाहते हो वो लोग आया खुद बाबा जी कहा, है, कहा है। तो जब कर रहा था वो आया वो तो पैंट शर्ट पहने में बोला ये पेंट शर्ट पहने वाला क्यों आए मुझे डर लगता है वो पैंट शर्ट पहना लड़का भी कॉलेज में पढ़ रहा है बहुत बड़ा हेल्दी है दोनों आए आप कौन है मैं क्यों आए हैं ना दिख्या लेने के लिए क्या दिख्या है उनको तो पता नहीं है दिख्या क्या है ना मां जी ने मुझे बताया मैं मां का उपासना करता हमारा घर में देवी है ना वो बता है कि अगर तुम्हारा उद्धार तुम चाहते हो ना जाओ हरे कृष्ण मंत्र जप करो वो ढूंढ रहे थे उधर हमारा भागवत कथा हो रहा था तो मैं बोला भक्त लोग को देखो मां जी उसको भेजा है माला झूला दे दो वो लड़का वो तो शर्म शर्मा रहे थे वो कॉलेज में पढ़ रहे हैं नहीं नहीं माँ बोला है ना तुमको एक माला लेना होगा और मेरा माता के लिए एक और मेरा लिए तीनों माला ली मैं बोला कि आज से प्याज लहसुन कंदा ब ना लहसुन नहीं खाना है माँच मछली ना हम नहीं खाते प्याज लहसुन खाते मैं बोला आज से नहीं खाना है देवी ने बोला है ना तुमको भक्त होने के लिए आज तक यही भाव है हम आपको फुलबानी में जाता हूँ फुलबानी एक हमारा उड़ीसा में है वो ट्राइबल एरिया है गुरुदेव उधर जाते थे उधर शिव जी का दो कृपा है एक सकपट है और अकपट है कपट करके कृपा देते हैं जैसे रावण को कंस को कृपा किए हैं लेकिन कपट में ये जो लोग आज शिव जी को काल किए हैं ना बहुत कितना करोड़ रुपया खर्च किए हैं सबको मिलेगा यही बार तुम ले जाओ जितना पेमेंट चाहे ले जाओ लेकिन तुम रोएंगे ये कपट और अकपट वैष्णव लोग को देते हैं भक्त होने के लिए अभी तक वो भक्त है दो तीन भक्त है वो गांव में मैं जाता हूं उधर तीन भक्त तीन चार भक्त मैंने उनको शिवजी ने आदेश दिया है तुम जाओ वैष्णव बनो अरे ऐसा तो एक भक्त है अभी गुरुदेव का शिष्य वो भी है उनको बोला कि तुम जाओ भुवनेश्वर में एक वैष्णव है उनसे दिख्या लो अभी है वो वैष्णव बिल्कुल शिव ने बताया मैं किससे दिख्या लू जाओ भुवनेश्वर में एक साधा मंदिर है नया सीआरपी का ठाकुर जैसा एड्रेस बिल्कुल दे दिए आपको पता चलता है गुरुदेव का एक शिष्य है हम सोचते हैं ना प्रुपद नहीं है प्रौपद एक भक्त है वो साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन आत्म साक्षात्कार विज्ञान हमारा विदेशी भक्त लोग बुक डिस्क कर रहे थे कटक में वो उनका पाँव में थोड़ा प्रॉब्लम है वो बहुत दूर से 500 किलोमीटर से आए उनका कोई नौकरी का काम था वो तो टीचर था उन्होंने जब विदेशी भक्त लोग को देखा ना तो आए पास में विदेशी लोग क्या है तब उन्होंने एक किताब दे दी आत्म साक्षात्कार विज्ञान वो सोच रहे थे कि मुझे पढ़े ना इतना आनंद लगा कि वो सोच रहे कि प्रभुपाद अभी भी है इतना नहीं पढ़ा कि प्रभुपाद ने शरीर छोड़ दिए हैं देखिए इतना विश्वास प्रभुपाद जी का ऊपर है वो प्रभुपाद जी को गुरु मानकर वही फोटो को निकालकर वो पूजा कर रहे थे प्रभुपाद जी बोलते आप मेरा गुरु है कब मेरा साक्षात होगा कब मेरा अरे हरे कृष्ण इतना रो रहे थे प्रभुपाद जी के पास प्रभुपाद ने स्वप्न ने बताया मैं नहीं हूं इस जगत में मुझसे दिख्या प्राप्त करना संभव नहीं है अभी वो भक्त है अभी नहीं आते हैं मंदिर बहुत बुढ़ा हो गए पाव में भी बचपन से उनका प्रॉब्लम है बिल्कुल बता है शिव जी ने प्रभुपा जी ने तुम जाओ भुवनेश्वर में मेरा शिष्य वो पत्र आज तक है वहाँ मंदिर में मेरा शिष्य है उसका नाम गौर गोविंद स्वामी है। उसे तुम दिखा लो प्रभुपा जी ने बता है आज तक वो बोलते हैं ना रोते हैं रोते हैं वो <laughs> बोलते प्रभुपजने मैंने दर्शन से प्रभुपाद को दर्शन स्वप्न से दर्शन किया हूं ने मुझे बताया हम लोग का विश्वास नहीं शिवजी ऐसा है शुद्ध वैष्णव लोग होते हैं ना इसे शक्ति संपन्न होते हैं मैं ये बात पर इधर चला आया कि शिवजी को निंदा नहीं देवता लोग को निंदा नहीं करना चाहिए वो कृष्ण का भक्त है और शिवजी का स्थिति आप सुनेंगे ना प्रभुपा जी ने यही लिखा है ना जैसा शुद्ध भक्त का स्थिति है शिव जी का धीरा धीरे प्रिय करो देखिए असुर विष्णु को विरत करते कि नहीं कंस कृष्ण को विरत करते हैं लेकिन नारदी के साथ नारदी को पूजा करते हैं <laughs> देखिए शुद्ध भक्त का स्थिति कैसा है नारद का बात मानते हैं नारदी को पूजा करते हैं लेकिन कृष्ण को मारने के लिए तैयार यह असुर का हालत है इसका मतलब यही है शुद्ध भक्त का स्थिति यही है ठाकुर जी ये देखा रहे देखिए 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 हमको सिखा रहे शिव जी का दो भक्त है असुरोक भी भक्त है और देवता लोग की भक्त वैष्णव लोग की भक्त है गोपीश्वर आपको पता है ना लक्ष्मी का प्रवेश नहीं हुआ रासलीला में वो तो बोला नहीं नहीं मैं लक्ष्मी हूं मैं दासी बनूंगा राधा रानी का <laughs> दासी नहीं बनूंगी दासी नहीं बनूंगी लेकिन जब रास शुरू हुआ ना तब शिवजी कहां थे कैलाश में उनको पता चला कि रास अब शुरू हो रहा है देखिए कितना बड़ा प्रवज ने यही लिखा है शिवजी इज ऑलवेज इन ट्रांस समाधि हर समय समाधि स्थिति में शिवजी रहते हैं शुद्ध विशुद्धम वसुदेव शब्दितम ये शिवजी का स्टेटमेंट है सत्य आर्गुमेंट कर रहा है ना आप मेरा पिताजी को प्रणाम क्यों नहीं किया इसीलिए तो साफ दिया ना आपको आप तो प्रणाम करना चाहिए ससुर को प्रणाम नहीं करना चाहिए आपका इतना आप ईश्वर है आपको इतना पता नहीं है देखिए देखिए हालत क्या है <laughs> तो आपको क्यों इतना कठोर वाक्य बोला मेरा पिता दक्ष ने आपको पता होना चाहिए जब सब शिवजी को सम्मान दक्ष को सम्मान दे रहे थे आप तो सम्मान देना चाहिए ये ससुर है पिता ससुर क्या है पिताजी सब बराबर है तब बोले तुमको पता है मैं कौन हूं मैं कौन सा स्थिति में रह, रहता हूं तुमको पता है विशुद्धम वसुदेव वसुदेव मैं की स्थिति में हूं पढ़िए प्रौपद का स्टेटमेंट तात्पर्य दिखे कितना बड़ा स्टेटमेंट है विश्वनाथ चग्र ठाकर इसका कितना सुंदर कमेंट्री दिए प्रोपद ने बिल्कुल उसको तात्पर्य में लिखे वसुदेव स्थिति है शुद्ध सत्व स्थिति सिर्फ प्रभुपद लिखा माइंड एंड इन हार्ट ऑलवेज इन कृष्ण कॉन्सियसनेस कृष्ण थॉट सब बड़े कृष्ण हर समय कृष्ण की चेतना में <laughs> और यह हमें बोल देता हूं हर समय कृष्ण की चेतना में शिवजी मन में चित्त वृत्ति में इंद्रिय में कृष्ण की चेतना वसुदेव स्थिति तो सती को ये उत्तर दिया तुमको पता नहीं है मैं जब वसुदेव का स्थिति में हूं हर समय वसुदेव को प्रणाम करता हूं कृष्ण को प्रणाम करता हूं जब कृष्ण को प्रणाम करता हूं तो दक्ष का प्रणाम हुआ कि नहीं कृष्ण का भीतर सब है ना जब मैं मानस मनसा विधि मन में हर समय कृष्ण को प्रणाम करता हूं यही शिव जी का स्थिति इतना निंदा हुआ भरी सभा में शिव जी को निंदा किया कौन निंदा किया हमको थोड़ा कोई निंदा करते थे क्लास में तो क्या मार जाते हैं हम गए तो गया मेरा सब गया सम्मान गया तो निंदा में क्या होता है शरीर दुबला पतला हो जाता है शरीर को नुकसान नहीं होता है पैसा को नुकसान नहीं होता है शरीर दुबला पतला नहीं होता है आत्मा कोई कोई हानि नहीं होता है ना तो शरीर का हानि होता है ना आत्मा का हानि होता है लेकिन हमने आत्मज्ञान कर बैठा है शरीर को इसीलिए हमको बहुत कष्ट लग रहा है शिव जी को भागवत में दो बार इतना बड़ा निंदा हुआ फिर कहा सभा में एक सभा में प्रजापति दक्ष ने लगा दिया ऐसा ही बोला गृहित्वामुगस मरकट लोचनम शिवजी को यही बोल रहे हैं मरकट लोचनम बानर जैसा आंख है शिवजी को ऐसा बोलना चाहिए पिताजी बैठे हैं ब्रह्मा जी बैठे हैं सब देवता लोग हैं। गुस्सा में बोल रहे हैं क्यों प्रणाम नहीं किए मेरा लड़की सत्य कैसा है मृग नयनी मृग सावाखी और तुम कौन हो तुम्हारा आंख कैसा है बंदर जैसे देखिए कन्या को इतना प्रशंसा कर रहे हैं और दामाद को क्या बोल रहे शिव जी ने साफ सुना यही वैष्णवता है सहने से पता चलता है को, कौन कितना बड़ा वैष्णव लोग हैं हमारा तो कुछ नहीं है कुछ बोलेंगे ना हमारा गुरुदेव कहा करते थे ये आजकल जो वैष्णव है उसको थोड़ा कुछ बोल दिए वो कोपिन वगैरह बस इकट्ठा बना लेंगे चलो इधर ही सिर्फ वो शासन करते हैं दूसरा जगह गुरु नहीं मिलेगा चलो बाबा लगेज पैकिंग करते हैं भागते हैं सहन का शक्ति नहीं है शिव जी कितना बड़ा देखिए वैष्णव है तृणादपी सुनीचे प्रभुपति ने बार बार जी का प्रसंग ऊपर यही श्लोक यही श्लोक तृणादपी देखिए शिव जी से